हाँ तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है विदाउट प्रूफ आईडी को अपडेट नेम पर कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको करना कुछ नहीं है, बस एक आईडी चाहिए होती है। तो आपके पास जो भी आईडी हो उसको आप लॉगिन कर लेना किसी भी ब्राउज़र में। और देन करना क्या है, आपको आईडी ये जो थ्री डॉट्स है ना, यहाँ पर जाना है। थ्री डॉट्स पर जाने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी, और देन सेटिंग पर जाना है, और उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाना है और नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके आईडी का अगर नाम अवेलेबल हो ना तो उसको आप चेंज कर देना। ठीक है, कुछ भी रख लेना, कुछ भी नाम अपडेट कर लेना आप इसका, मतलब ये ऑप्शन ख़त्म करना है अपने को। ठीक है, हाँ तो देखो मैंने इसका ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी है, आपको ऐड निकनेम पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आपको कोई भी एक निकनेम ऐड कर लेना है, कुछ भी आपका नाम हो सकता है या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं कर लेता हूँ, हाँ विवान मेघवंशी, ठीक है यही कर लेता हूँ। ठीक है, और सो एट टॉप प्रोफाइल पर क्लिक कर देना और इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसको सेव करना है। तो आपको प्रोफाइल ओपन करनी है और आपको ना सिर्फ एम फेसबुक में जाके और अपनी प्रोफाइल का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो आप ये ऐप भी से भी कर सकते हो, कैसे भी करो, बस एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, देन आपको वापस एम बेसिक में जाना है, एम बेसिक में जाके और सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो जैसा मैं करता हूँ वैसा करते रहो। तो सेटिंग में जाना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और एडिट पर करना है नाम वाले ऑप्शन पर, और देन आपको लर्न मोर करना है। ठीक है, लर्न मोर करने के तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट नाउ पे, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा, तो आपको उसको फिल करना है। तो आपको यहाँ पे वही फिल करना है जो आपने निकनेम में डाला था। तो फिल कैसे करना है, तो जैसा मतलब आपने जो नाम डाला था, जैसे मैंने विवान मेघवंशी डाला था, तो आपको करना क्या है, आपको फुल नाम ना ऐसे कैपिटल में डालना है। ठीक है, और लास्ट वाले बॉक्स में मेघवंशी डालना है ना। मेघवंशी डालने के बाद आपको दो चार वर्ड्स और लगाने पड़ेंगे, जैसे मैं लगा देता हूँ m.m. ठीक है, इतना लिख देना है, फिर स्पेस डाल के और सेक्सी फॉर क्यू। ठीक है, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आना और यहाँ पे पिक वन पे एक सेलेक्ट कर लेना है लीगल नाम चेंज। ठीक है, और इस वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल देना है, ईमेल एड्रेस जिस पर आपको लाइक नोटिफिकेशन आए। और देन इतना कर लेने के बाद एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको कैपिटल नाम डाल लेना है, मतलब हर चीज़ कैपिटल में चलेगी। ठीक है, और फर्स्ट वाला फर्स्ट नेम, लास्ट में सर नेम डाल के और m.m. करके सक्सेस फॉर क्यू करना है। ठीक है, देन आपको ये सारी चीज़ करके और सेंड पर क्लिक कर देना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया है। ठीक है, इसे सेंड हो जाएगा और देन आपको वेट करना है कि आपका अकाउंट कितनी देर में अपडेट नेम पर जाएगा। तो तब तक के लिए आप अकाउंट को लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग आउट करके रख दें और देखते हैं कितने देर टाइम में जाता है, तब पता चलेगा। ये अपडेट नेम पर चली गई है, तो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये आईडी अपने अपडेट नेम पर चली गई।